तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज कुछ तूफानी कर रहे हैं, अपनी ट्रॉली में ये बकेट रखवा रहे हैं लेकिन ये रखा नहीं पा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस, अभी अपन गए थे गाड़ी को वॉश कराने और मसला कुछ इस प्रकार है कि बकेट अपन उठा के अपनी ट्रॉली में रखवा रहे थे तो वो रखा नहीं पाया। तो अपन क्या कर रहे हैं, जेसीबी बुलवा ली अपन ने, जेसीबी में रखवा रहे हैं अपनी ट्रॉली में और उसको छोड़ के आ जाएंगे, है ना। बाकी अभी लगा रहे हैं अंदर गाड़ी, देखिएगा बाकी आप। तो यहीं पे पास में ही लेके जाना है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको भी। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। बाकी पहले तो मैं गाड़ी को अंदर लगा लेता हूँ, है ना। जो कहीं ठुक पिट जाए, बहुत सारे वाहन खड़े हैं इधर, ट्रॉली भी खड़ी हमारे यहीं की बनी हुई है। बाकी अंदर कर देते हैं गाड़ी, फिर मिलते हैं। बाकी गाड़ी सब अपन ने जैसे भी बुलवा ली है और ये देखिए जेसीबी से रखवा रहे हैं इसको अपन। तू बैठ जाना ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि अपन हाथ से इसको चढ़ा रहे थे तो काफ़ी कैसे वजन है, इस कारण से ये रखा नहीं पाया। बाकी भाई आराम से रखना, थोड़ा थोड़ी ना हो हमारी गाड़ी में। देखना भाई आराम से। तो गाइस, ये बकेट का एकदम से नीचे गिरा ना तो क्या टायर की हवा निकल गई, क्योंकि क्या है कि काफ़ी टाइम से क्या ट्रॉली अपनी खड़ी हुई थी, लगभग दो एक महीने हो चुके हैं तो हवा कम हो गई थी इस कारण। तो अपनी हो जाएंगी ना, इस तरफ गिर रही है। हाँ, सब अपनी। अभी अशोक सर बोल रहे हैं उठा के रख लेगा। तो अब अपन एकदम रेडी हैं गाइस। ये देखिए टायर में हवा भी डल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मुझे लग रहा था परेशान होना पड़ेगा लेकिन होना नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि बोलेरो में अगर कोई चीज़ लग गई ना तो हम परेशान तो बहुत कम होते हैं, 1% चांस रहता है गाइस, अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है। छोटा वाला मत लगाना गेट अभी। बाकी गाइस निकल चुके हैं और आ चुके हैं अपने कोलार रोड पे। आप देख सकते हैं रोड, बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इतना शानदार रोड बना है। बाकी अपने को आराम आराम से जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अपने जो बकेट रखा है ना ट्रॉली में उसमें का काफ़ी लोड है, है ना। तो साइडों पे बाबा रेत भर के ले आते ना, ऐसे ले आनी पड़ती है आराम आराम। अपन किसी को देते ही नहीं गाड़ी। आनंद भाई कितनी सिले सिलो गाड़ी चला रहा है। अब बड़ी तेज स्पीड है लेकिन आपको अंदर जाना था। जल्दी 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 भैया।
आते समय तो अपनी गाड़ी हवा से बात करती हुई आएगी। वृंदावन गार्डन उसकी तरह बना है। रोड बनने से लोग उल्टे आ रहे चलने लगे, पता ये देखो ये चले आ रहा है, कहीं का आदमी ध्यान नहीं है तो उड़ा ही आ बड़ा। मीटर वाला ओवर कट कर दिया यार, कहीं को आया हम ने देख ले ना भगा नहीं रहा हूँ ऐसी यहाँ भी दौड़ती हुई पर टकरा है एक तरफ, पता लोड आया ना तरफ लोड आ गया ज्यादा कुत्ते पाल रखे और यार इन साइड काम चल रहा है, उधर चल रहे हैं? नहीं इधर चल रहा है, इधर बहुत अंदर है ना, दो ढाई किलोमीटर अंदर बंसल, इधर तो बंसल वाले का चल रहा था, इधर चल रहा है ये दूसरी कंपनी है सर, रॉयल रॉयल टाउन है। उधर झंडे दिख रहा है उधर, हाँ, ये दूसरी होगी कॉलोनी, दो कॉलोनी कट रही है ये ना पाल स्प्रिंग। ऑफरोडिंग करने के लिए अच्छी जगह है यार, गाड़ी कुदा दो और वीडियो बनाओ पानी भरा है खरीदेगा फ्लैट है। अरे बिक जाओ क्या, हाँ पता नहीं चलेगा नहीं आगे तक जाएंगे पूरी तरह। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपन, वो आ रही है पोकलैंड मशीन, तालाब में बन रहा है, तालाब में से आ रही है पोकलैंड मशीन। नहीं स्पीड में हुआ, चक्कर आ रहा उस तरफ घुमा कैमरा उस तरफ, हां ये हां भाई ये एक नंबर झूला है एक ही नहीं टक्कर, और अपनी फैक्ट्री में भी लगवाएंगे एक बार झूला ऐसे ही लगा। बाकी गाइस ये देखिए ये पूरा पार्क है इधर, और आगे ये पूरे फार्म हाउस है, 5,000 स्क्वायर फीट के हैं पूरे, बड़े-बड़े फार्म हाउस है ये। तो ये देखिए गाइस हमारा बकेट उतर रहा है, इसमें राड फंसा के उतार रहे हैं क्योंकि पिन तो ये लगा नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि पिन को क्या ठोकनी पड़ती है काफ़ी। तो ये देखिए राड लगा के अब ये निकल जाएगा और अपन गाड़ी आगे बढ़ा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी गाड़ी में से लोड हट चुका है, इसमें ज़्यादा नहीं तो 8 क्विंटल तो होगा वजन, क्योंकि बड़ा है ये काफ़ी। मशीन रंगी ना
तो अपनी ट्राली हवा से बातें करेगी। तो गाइस ये देखिए, ये पूरा फार्म हाउस ही है, लगभग ये 5000 स्क्वायर फीट का है, ये हो सकता है उससे ज़्यादा होगा क्योंकि बड़े साइज भी होते हैं इधर, है ना। बाकी निकलते हैं अब, बाकी हम गाइस यहाँ पे क्या ज़्यादा भगा नहीं सकते हैं गाड़ी क्योंकि रोड का कच्चा है, वो चीज़ देख के चलानी पड़ती है क्योंकि अपने पीछे ट्रॉली भी लगी हुई है। कुल्लू मनाली नर्सिंग कॉलेज भी है यहाँ पे, तो अब पता चला मुझे। तो गाइस बाकी अपन आ चुके हैं अपने कोलार रोड पे और अपनी फैक्ट्री से नज़दीक ही आ चुके हैं। बाकी भाई आ चुके हैं अपन फैक्ट्री के पास ही, अब अंदर लगा देते हैं गाड़ी को और ट्रॉली को भी पार्क कर देते हैं और अपने आज के छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।